रांची से जहां पर आज सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी, ईडी के समन की अवहेलना का ये पूरा मामला है। ईडी के समन पर न आने के मामले में सुनवाई होगी और जमीन की खरीद फरोख्त मामले में ईडी ने भेजे थे 10 समन, सिर्फ 2 समन पर ही पेश हुए थे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और अब समन को अनदेखा करने को लेकर के ये सुनवाई होगी। समन पर न आने के मामले में यह सुनवाई है। जमीन की खरीद फरोख्त मामले में ईडी ने जहां पर 10 समन भेजे तो वहीं सिर्फ 2 समन पर ही पेश हुए थे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और अब उसी मामले को लेकर के सुनवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए लगातार समन भेजने के बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से समन को नजरअंदाज किया गया था और अब 10 समन जब उन्हें भेजे गए तो 2 समन पर ही वो पेश हुए और अब कहा जा रहा है कि इसी मामले को लेकर के सुनवाई है। बिल्कुल, देखिए आज रांची के सीजेएम कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। संभवतः थोड़ी देर के बाद सुनवाई हो सकती है क्योंकि ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी होटवार जेल में है, बिरसा मुंडा कारागार में, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। जाहिर सी बात, आपने देखा कि ईडी के 10 समन के आलोक में मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही समन का जवाब दे पाए हैं और 2 ही समन में वो ईडी के दफ्तर में उपलब्ध हुए हैं। और इसी मामले को लेकर ईडी ने ये मामले को लेकर कोर्ट में अवहेलना का मामला दर्ज कराया था। उसमें ये कहा गया था धारा 174 यानी 174 के तहत ये धारा लगाई गई है और 174 के तहत ही ये मामला दर्ज किया गया है। और इसी मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और आपने देखा कि लगातार सम्मन पे सम्मन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए थे और उस सम्मन को दरकिनार करके, यानी उस सम्मन को अवहेलना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री 2 ही सम्मन में उपस्थित हो पाए थे। इसी मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में ईडी के द्वारा यह मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो जमीन की खरीद फरोख्त मामले में जहां ईडी ने 10 समन भेजे तो वहीं 2 समन पर ही पेश हुए थे सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम है और अब इसी मामले को लेकर के सुनवाई।